मैं उस समय उपचुनाव क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र 162 की विधानसभा में विधानसभा क्षेत्र मांगरमऊ में, और हमारे साथ में इस समय भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत कटियार जी, और जो कि आप देख सकते हैं कि श्रीकांत कटियार जी जनसंपर्क कर रहे हैं और आज जनसंपर्क करने का और प्रचार का आखिरी दिन है। मैंने इनसे मुलाकात की, आइए जानते हैं इनके विकास के क्षेत्र में क्या। मैं भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर राजनीति करती है, विकास के मुद्दे पर चलती है, सबके साथ सबके विश्वास के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कटियार जी, मैं आपसे एक खास बात जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कोरोना काल का संकट समय चल रहा है और उपचुनाव की क्या स्थिति यहाँ पर है। मैं उसकी व्यवस्था करी गई है, हर बूथ पर हर हमारे कार्यकर्ता जो है उसको मास्क रखे हुए हैं, जो जाएगा वो मास्क ले करके लगा करके ही वो पोलिंग करेगा, सरकारी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कटियार, ये चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक चुनाव का समय चल रहा है, जनता आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखती है, अगर आप विजयी होकर आते हैं मांगरमऊ क्षेत्र के अंदर, जैसा कि आप पहले भी रह चुके जिला अध्यक्ष, तो आपकी क्या मेन प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, ऐसा यहाँ की जनता सब जानती है, यहाँ की जनता क्षेत्रीय प्रतिनिधि को चुनना चाहती, अपने भाई को चुनना चाहती, बेटे को चुनना चाहती, और रही बात क्या करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लगातार सेवा करते थे, करते रहेंगे और करते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है जनता का जिस ढंग से चाहेगी उस तरह से निर्धारण करेंगे विकास। अजय जी, आप जानते ही हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि जाति पाति, और आप कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज इस पार्टी के अंदर कोई भी जाति पात नहीं है, और मोदी जी ने जैसा कि कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर आप आते हैं तो आप प्राथमिकता रूप में यहाँ के व्यापारियों के लिए और जनता के लिए, भांगरमऊ क्षेत्र के लिए व्यापारियों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, भगवान राम ने भी लोग जब वो थे तो भगवान राम ने भी सबको लेकर के चले थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है, सबके साथ सबके विकास सबके विचार सबकी विचारधारा में सकारात्मक सोच का निर्माण करती है। अध्यक्ष जी, इस समय समीप में दीपावली है और परसों चुनाव है, आप दीपावली की शुभकामनाएं अपनी जनता को देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे जनता को, अभी माँ भगवती के जब नवरात्र थे तभी मैंने शुभकामनाएं दी और अब भी शुभकामनाएं, अग्रिम सूचनाएं, अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की सबकी जनता को देना चाहते हैं और जो शुभकामनाएं देते हैं बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार जी, और मैं हूँ कैमरामैन आनंदी प्रयाग के साथ SBS TV इंडिया न्यूज उन्नाव बागरमऊ।